तालिबान को दे दिया वो कागज, तालिबान को उसकी जुबान में क्या बताया मुझे पता नहीं, तालिबान उसका खुद का मामू है। मेरे मोबाइल में जितना डिटेल्स था सब काट दिया, सब नंबर डिलीट कर दिया। मुझे कहीं नहीं जाना, घूमना नहीं, मुझे घर जाना है। फिर उसने मुझे मारा पीटा। मैंने कहा मेरे बेटा कहाँ है, वो तो आपको मिल जाएंगे, सब्र। कलकत्ता से मुझे दुबई लेके गया, दुबई जाकर मैंने देखा फायज दुबई में मौजूद। उधर से मुझे नशा का गोली देकर अफगानिस्तान ले गया। इधर का जो पासपोर्ट था फाड़ दिया, जाली पासपोर्ट बना था, मुझे चमन में ले गया। चमन में जब पहुंच गई तब मेरा मुझे और फैज को बेच रहे थे। दूर में देखा आर्मी फोर्स खड़े। मैं कुरान पाक उठाया, फैज को हाथ में लेकर मैं दौड़ के उन लोग के पास गए। पाकिस्तानी पैसा 2 लाख देते हो बंदे को मुझे सौंपो, तो बोले तुम्हारी वजह से तो हिंदुस्तान हम पाकिस्तान बनना हमें, इसलिए उसको मारा। वैक्सीन लगाते हैं ना, वैक्सीन का कागज़ था, उस कागज़ से मेरा डिटेल निकल गया। जिस माहौल से मैं निकली हूँ बहुत भयानक था उसको फेस करना, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं। मैंने इस बात को सुप्रीजन को भी बताया, मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये मेरा जुर्म है। बीते दिन पाकिस्तान सरकार के द्वारा भारत के असम में रहने वाले वाहिदा बेगम और उनके 13 साल के बेटे को पाकिस्तान की जेल से रिहा किया गया और अटारी वाघा बॉर्डर के राही वो गुरुनगरी अमृतसर पहुंचे। आपको बता दें कि 2022 में पाकिस्तान के एक शख्स के द्वारा बहला फुसलाकर इस महिला को पाकिस्तान जाने के लिए कह सकते हैं फोर्स किया जाता है, और उसके बाद जब इस महिला को पता लगता है कि मेरे साथ धक्का किया जा रहा है, मेरे साथ जाति की जा रही है, तो उनको वहाँ जो पाकिस्तान सरकार से जब ये गुहार लगाते हैं तो वहाँ के लोगों को जब बताते हैं तो इनको वहाँ पर जेल में भी लगभग 2 साल की तकरीबन वहाँ रखा जाता है। और कह सकते हैं कि क्या इनके साथ हादसा वापरा, क्या वहाँ मंजर था, वो सब चर्चा करने के लिए हमारे साथ वाहिदा बेगम मौजूद हैं। कल आप अटारी बाघा बॉर्डर के राही अमृतसर पहुँचे हैं, 2022 में क्या ऐसा हुआ, क्या हादसा आया या क्या मंजर ऐसा बना कि पाकिस्तान आप कैसे पहुँचे, और क्या वो शख्स का नाम था जरा बताएं? उसका नाम था रहमान जिया और मेरा नाम है वाहिदा बेगम, मेरे बेटे का नाम फायज खान। हम असम नौगांव में उसको मिले, फिर हमारी फ़ोन में बात हुई, तकरीबन 3 महीने 4 महीने में बात हुई। बात होकर मुझे बोला हम आपको घुमाने ले जाते हैं ना, फिर उसके साथ 3 बंदे मौजूद था, उसका मतलब एक है प्रसन्नजीत दत्ता, एक है रंजीत दत्ता, एक है अनवर हुसैन। इन 3 बंदे उनके साथ मिले हुए थे, मुझे ये बात पता नहीं था उन 3 बंदे उसके साथ मिले हुए थे। फिर उसने मुझे घुमाने के लिए गुवाहाटी लेके आया, गुवाहाटी से बोलते हैं फायज को मुझे अलग कर दिया। फायज को दूसरे बंदे ने उठाया और मुझे दूसरे बंदे ने। मैंने कहा मेरे बेटा कहाँ है, बोलते आपको मिल जाएंगे, सब्र। फिर मैंने उधर से कलकत्ता आ गया, फिर भी मुझे फायज नहीं मिला। मैंने कलकत्ता आकर बोला मुझे सही है फायज, सही है फायज का, बोला आप सब्र करो थोड़ा मिलेंगे ना। कलकत्ता से मुझे दुबई लेके गया, दुबई जाकर मैंने देखा फायज दुबई में मौजूद। फायज ने मुझे पूछा मतलब फायज तुम किसके साथ आई, बोले मुझे पता नहीं एक बंदे ने ले आए तुमको मिलाने के लिए। फिर मैं फायज को उठाया, फिर हम जैन इंटरनेशनल होटल में थे दुबई में। फिर मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना, घूमना नहीं, मुझे घर जाना है। फिर उसने मुझे मारा पीटा, टांगों में मारा, बहुत टॉर्चर किया मुझे। फिर उसने उस दिन से मुझे नशा का गोली दिया। मुझे पता नहीं ये उर्दू में लिखा हुआ है, मुझे इंग्लिश आती है लेकिन उर्दू में मुझे नहीं आता लिख पढ़ना। मैंने 2-3 खान गोली खाती हूँ, 3-4 घंटा सो जाती हूँ। लेकिन वो दुबई से भी प्रसन्नजीत दत्ता और रंजीत दत्ता से उसका ताल्लुकात था। वो नशे की गोली दी गई आपको, वो आपको कितने दिन तक पता नहीं लगा कि आप कहाँ हैं, कितने दिन तक वो नशे में? जब मुझे दुबई में दिया गोली तब मैं 3-4 दिन को मुझे पता नहीं चला ना क्या हो रहा है। फिर बेटे को भी नशे का? नहीं नहीं, फायज को नहीं, मुझे दिया। फिर मुझे पता चल रहा है जो प्रसन्नजीत दत्ता, रंजीत दत्ता और रहमान उन लोग के साथ मिले हुए हैं, बात करते हैं दुबई में, क्योंकि उसके साथ दुबई का वाईफाई होता है, मेरे पास नहीं होता है। मेरे मोबाइल में जितना डिटेल्स था सब काट दिया, सब नंबर डिलीट कर दिया। उधर से मुझे नशा का गोली देकर अफगानिस्तान ले गया। फिर उधर से चमन से मेरा जाली पासपोर्ट बनाया, मेरा इधर का जो पासपोर्ट था फाड़ दिया, जाली पासपोर्ट बनाकर मुझे चमन में ले गया। चमन में जब पहुँच गई तब मेरा मुझे और फैज को बेच रहे थे।
और बोलते हैं एक बंदा आएंगे तुम उसके साथ जाना, सामान लेके मैं पीछे आ रही हूँ। मैंने कहा बेच रहे थे तो फिर पैसों की भी उन्होंने चर्चा की होगी आपस हाँ, हाँ। में, उसके बारे में बताएं। हाँ पैसा मतलब वो बोल रहे इतना, वो बोलते इतना, ऐसे पैसे का बात बोल रहे थे ना, मुझे इतना पता नहीं। उन लोग दरहम की बात, दरहम अफगानी बोलते हैं ना, अफगानी मुझे पता है वो पैसा है, दरहम भी पैसा है। मैंने इस और उन लोग पोस्तो बोलते हैं, मुझे पोस्तो समझ में नहीं आते। फिर जब बोला तुम दूसरे बंदे के साथ जाओगे, तब मैंने कहा इतने दूर से मार खा कर टॉर्चर होकर मैं आई हूँ, अभी दूसरे बंदे के साथ क्यों जाऊँ। तो मैंने फायज़ को बोला हमारी ज़ुबान में, फायज़ हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, अभी हमको कुछ कदम उठाना चाहिए। तो मैंने दूर में देखा आर्मी फोर्स खड़े है। मैं कुरान पाक उठाया, फायज़ को हाथ में लेकर मैं दौड़ के उन लोग के पास गए। मैंने कहा मुझे मदद करो, मुझे पाकिस्तान आना नहीं था। कौन लोग थे जिनके पास आप मदद की गुहार लगाने गए, वो लोग कौन थे? पाकिस्तान के बॉर्डर के आर्मी फोर्स था। फिर उन लोग के पास मैं गए, फिर मैंने कहा मुझे मदद करो, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे मदद करो, मुझे मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं पाकिस्तान आना नहीं चाहती। फिर उन लोगों ने किसी को फ़ोन किया, गाड़ी आ गया, फिर हमको लिया। फिर उन बंदे को, उसको भी रहमान जिया को भी उठाया। रहमान जिया ने उसको कहा एक काम करो, मैं आप पाकिस्तानी पैसा 2 लाख देते हो, बंदे को मुझे सौंपो। तो बोले तुम्हारी वजह से तो हिंदुस्तान, हम पाकिस्तान बनना हमें, इसलिए उसको मारा। फिर हम 2 दिन आर्मी की कस्टडी में रहा, तब मुझे पता चला। मैंने इधर का खाना उधर का खाना अलग है ना, मेरी थैली ख़राब हो गई ना। मैंने कहा ये दवा मुझे ला कर दो। बोले कौन देते आपको दवा? आर्मी डॉक्टर ने कहा। मैंने उसे ये बंदे ही देते, बोले तो नशा का गोली है। फिर उन लोगों ने मुझे ट्रीटमेंट किया आर्मी लोगों ने, मेदे का पैरों का, फिर मैं थोड़ा सही हो गई। फिर जो नाम उस शख्स का आप कह रहे रहमान जिया, तो उन्होंने जब आपको अपने प्यार में बहलाया फुसलाया, तब उन्होंने कोई और नाम बताया था आपको? हाँ और नाम बताया था, जब रहमान जिया मुझे बाद में पता था, उसका नाम था गुल और सलीम खान, ये 2 नाम बताया था। ऐसे घर में गुल बोलते हैं, उसका कागज़ पत्र में नाम है सलीम खान। और आपको क्या नाम बताया था उन्होंने? मुझे गुल बताया, सलीम खान उसका कागज़ मैंने देखा था ना, सलीम खान था। क्या वहाँ का कोई काम वगैरह करता था या क्या पेशा क्या था उसका? उसका इंटरेस्ट का बिजनेस था, इंटरेस्ट का पैसा का प्याज पे देना, इंटरेस्ट का बिजनेस था। तो कितने महीने जो है आपका पहले उनसे संबंध रहा, फिर कब वो भारत आपको लेने आए? भारत में ही था ना, भारत में लेने मुझे नहीं आए, उधर ही काम करते बहुत सालों से, मुझे पता नहीं था। मेरे सासा ने मुझे बताया ना, उसको भी उसके ऊपर भी एफआईआर लगा हुआ है। तो पहले से ही भारत में रहते थे? हाँ पहले से ही भारत में रहते। जब आपसे बातचीत हुई तब वो यहीं असम में रहते थे? हाँ तो फिर नौगांव में आ गए ना, वो असम में अंदर ही सिलसर नाम का एक जगह है, उधर वो काम करती है ना, इंटरेस्ट का बिजनेस। फिर जब मेरे साथ बातचीत हुई, फिर वो नौगांव में आकर अपने इंटरेस्ट का बिजनेस शुरू कर दिया। तब मुझे बातचीत हो गया, फिर मुझे जो बताएं वो बताए मुझे। फिर मुझे मतलब तब से ही था, तोसर नहीं था, कोई बात नहीं था, कुछ भी नहीं था, तोसर नहीं था। जब मुझे उसने अपने हाथ में कर दिया, तब तोसर करना शुरू कर दिया। आपके परिवार वालों को पता था कि आपका उनसे संबंध है? आप जैसे वो आपको मिलने आए, या पहले भी अक्सर आपकी फ़ोन पर बात होती होगी? फ़ोन में बात होती है। मेरे परिवार में तो मेरे अबू फौत हो गए ना, मेरी अम्मी ही है, उन लोगों को पता नहीं था। उन लोगों ने मुझे मना भी किया था, बंदा सही नहीं है, लेकिन मैंने उन लोग की बात नहीं सुनी। तो पासपोर्ट वगैरह उनके द्वारा ही बनाए गए आपके, या आपने खुद अप्लाई किए थे, या वो सब क्या? नहीं नहीं, मेरे पहले से ही था, पहले से ही मेरे पासपोर्ट बनाया हुआ था मेरा और फायज़ का। पाकिस्तान जाकर कैसे फिर मंजूरी? पाकिस्तान वो मुझे गायब कर दिया ना, उस बंदे ने गायब कर दिया। तालिबान को दे दिया वो कागज़। तालिबान को उसकी ज़ुबान में क्या बताया मुझे पता नहीं। तालिबान उसका खुद का मामू है, वो तालिब को देकर मैं खुद भी डर गई हूँ। ऐसे मैं डिप्रेशन में हूँ, तो असर हुआ, फिर मैं तालिबान को कुछ भी नहीं बताया। तो आप वहाँ कितने महीने पाकिस्तान की जेल में रहे? मैं जब मुझे आर्मी लोगों ने एफआईआर को दिया, एफआईआर के पास मैं कोयटा जेल में मुझे ड्रग किया। कोयटा जेल ने, जेल में तो औरत को नहीं रखते है ना, मुझे उडा जेल, कोयटा की उडा जेल में मुझे रखा 6 महीना। उडा जेल में 6 महीना उधर मैंने केस ख़त्म किया, मेरा जो बॉर्डर पास केस है ख़त्म किया, मेरा डिप्लोमा मिल गया। 2 दिन के बाद उसको रिहाई करना है, बोले उडा जेल से आपका कोई काम नहीं बनेगा, आपका गडानी से बनेगा। फिर मुझे गडानी में रखा 1.5 साल। वहाँ अलग अलग जेल में आप रहे, पाकिस्तान के वहाँ पे जो जेल के वहाँ पे अधिकारी थे उनके द्वारा भी कोई टॉर्चर किया गया? नहीं नहीं नहीं, उसके द्वारा नहीं, उन अच्छे थे बंदे, एहसास करते। लेकिन एक निजी इंटरव्यू में आपने ये भी कहा है कि मुझे अब पाकिस्तान के लोगों पर भरोसा नहीं है, जिस माहौल से, जिस दौर से मैं निकली हूँ, काफ़ी मेरे लिए दर्दनाक। हाँ बहुत, जिस माहौल से मैं निकली हूँ बहुत
भयानक था उसको फेस करना, लेकिन हम हिंदुस्तानी, मैंने इस बात को सुप्रीजन को भी बताया, मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये मेरा जुल्म है, मैं धोखे से आई हूँ, ये मेरा जुल्म है। बोलते बोले क्या हो रहा, हम सही करेंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपने वहाँ के अधिकारियों से, मिलिट्री वालों से बातचीत की, तब आपके पास कोई अपना प्रूफ था या सभी जो कह सकते हैं प्रूफ को उनकी तरफ से पाड़ दिया गया? एक कागज था मेरे बैग में था, वो भूटर जो हम लोग वैक्सीन लगाते हैं ना, वैक्सीन का कागज था, उस कागज से मेरा डिटेल निकल गया। तो अभी आप अमृतसर में कब तक रहेंगे, कब अपने घर आसाम जाएंगे? पता नहीं, अभी सारे लोग मुझे अम्मी को सौंप नहीं रहे, कितने दिन रखेंगे। मैं जल्दी चाहता हूँ क्योंकि मेरे दिल्ली में भी पेशी है हाई कोर्ट में, अभी उधर से केस लगाया है अम्मी ने ना, उधर से मैं आई हूँ, इसलिए अभी अल्लाह करे जल्दी मुझे इधर से फारिग कर दे। तो बिल्कुल, ये थी वाहिदा बेगम की कहानी कि कैसे एक शख्स के द्वारा पहले बहला फुसला कर उनको प्यार के झांसे में पाकिस्तान ले जाने के लिए लालच दिया जाता है, और पहले असम से वो कलकत्ता जाते हैं, वहाँ से दुबई पहुँचते हैं, और दुबई में जब उनको पता लगता है कि मेरे और मेरे बेटे के साथ धोखा किया जा रहा है, और उनको नशे की हालत में, नशे की दवा दी जाती है, गोली दी जाती है, और उसके बाद 3 दिन तक इस महिला को होश नहीं रहता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या ज़्यादती मेरे साथ हो रही है, और जब उस चीज़ की भनक लगती है तो तब समा और बीत चुका होता है, पर बेबस होकर, मजबूर होकर ये माँ बेटा उसके शख्स के साथ जो पाकिस्तान जाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ काबुल में जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ पाकिस्तानी अधिकारियों के से गुहार लगाते हैं, इंसाफ के लिए मदद की गुहार लगाते हैं, पर जब हालात कह सकते हैं कि हाथ से निकल रहे थे, तो वहाँ पर जो वहाँ की पाकिस्तान के प्रशासन थे उनके द्वारा इनको अलग अलग जेल में रखा गया, और कल ये अमृतसर पहुँचे, और यहाँ रेड क्रॉस की जो सराय, यहाँ पर अभी ये यहाँ विश्राम कर रहे हैं, और यहाँ से आगे जब कार्रवाई सब कागजी कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, उसके बाद ये अपने घर असम के लिए निकलेंगे। अमृतसर से नितिश सब्रवाल, न्यूज़ 18।